Top 20 News is brought to you by Valke Happy Homes in association with Mugdha EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका NBC News पर. आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तराकाशी सिविक 11 रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल ITBP जवानों से मुलाकात की. मुंबई के चेंबूर इलाके में सिलेंडर विस्फोट के कारण एक घड़ने की खबर है. इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं. राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद के साथ साथ RLD की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. सीज फायर के 5वें दिन इसराइल ने फिलिस्तीन के 30 कैदियों को छोड़ दिया है. उधर हमास ने भी इसराइल के 12 बंधकों को रिहा किया. उत्तराकाशी में सील 11 सुरंग में फंसे हुए सभी 41 श्रमिकों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है. ब्रिटेन के सांसदों ने भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों की सराहना की. 26/11 मुंबई हमले के स्मारक समारोह में शांति पर जोर दिया गया. भारत ने अमेरिकी दूतावास का रिकॉर्ड तोड़ा है. 1,40,000 से अधिक छात्रों को यहां से वीजा जारी किए गए हैं. अमित शाह कोलकाता के दौरे पर रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे. अमित शाह की रैली धर्मतल्ला के उसी स्थान पर होगी. IREA के IPO में पैसा लगाने वाले निवेशकों को शानदार मुनाफा मिल रहा है. 32 रुपए के इश्यू प्राइस के सामने IREA के शेयर 50 रुपए पर लिस्ट हुए हैं. सुनहरी मेटल सोने की चमक ने ऊंचाई पर जाकर नया रिकॉर्ड बना लिया है और MCX पर सोने के दाम ऑल टाइम हाई पर आ गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला भारत के खिलाफ खूब चलता है. गुवाहाटी में हुए T20 मैच में शतक लगाकर वे भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन और छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एक और धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने मंगलवार को सलमान खान को दी गई सुरक्षा की समीक्षा की. महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे ने मंगलवार को कहा कि विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले उनके नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया होता तो आज मराठा को आरक्षण मिल गया होता. शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की फसल को हुए नुकसान के मुद्दे पर चर्चा के लिए तुरंत राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाए. भारतीय नौसेना के लिए अग्निवीर की ट्रेनिंग ले रही 20 वर्षीय महिला ने मुंबई में सुसाइड कर लिया है. भारत के लिए साल 2024 काफी शुभ रहने वाला है. अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक बार फिर से इतिहास रच सकता है. राजस्थान के बाद कर्नाटक में चीन की रहस्यमय बीमारी को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है. कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी लोगों को मौसमी फ्लू को लेकर सावधानी बरतने को कहा है. गुवाहाटी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ. सीरीज के तीसरे T20 मुकाबले में भारत की हार हुई. वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज की. यूके राइडर्स 07 अनुराग डोभाल के साथ साथ उनका पूरा परिवार कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 17 से नाराज नजर आ रहा है. ये थी आज की टॉप 20 खबरें. खबरों का सिलसिला NBC News पर ही लगातार चलता रहेगा. आप बने रहे हमारे साथ NBC News पर. नमस्कार.